नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। ये है वर्ल्ड कप या विश्व कप का मैच नंबर 34 जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर है श्रीलंका के साथ साथ, लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं, और ये वीडियो बिल्कुल उसी के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो बताएगा कि किस तरह की पिच आपको अबू धाबी के मैदान में मिलेगी। ये जो मैच है वो खेला जाएगा दुबई में खेला जाएगा। अबू धाबी में दूसरा मैच है वेस्ट इंडीज श्रीलंका, तो दुबई के मैदान में ये सिर्फ दूसरा डे मैच है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप का। इसके पहले जो मैच खेला गया था वो था वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, तो उसके बाद ये अभी वाला दोपहर का मैच है। तो पिच ऑब्वियसली ज्यादा यूज्ड नहीं होगा, तो वैसे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगी कि कितने प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखने चाहिए एक पर्टिकुलर टीम से या एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के। और एंड में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह के कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो शुरू करें। चलिए नेकी और पूछ। तो सबसे पहले पिच, दुबई का पिच है नॉर्मली बैलेंस्ड रहता है, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए यूजुअली अच्छा रहता है, और लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ी ट्विस्ट रहती है। अगर दोपहर का मैच रहता ना, यूजुअली हम कहते हैं कि टर्न ज्यादा मिलता है, तो जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसमें से आप स्पिनर्स ज्यादा लें, लेकिन अभी तक इस विश्व कप में ऐसा देखने नहीं मिला है। विश्व कप में अगर आप देखेंगे तो चाहे आप शाम को खेले या फिर दोपहर को खेले, सीमर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है जब वो पहली गेंदबाजी कर रहे हों। तो आपने रिसेंटली वो मैच देखा होगा साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, उसमें शायद इस टूर्नामेंट में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि साउथ अफ्रीका अपने शोल्डर्स का इस्तेमाल कर रही थी, यानी शॉर्ट बॉल पर विकेट्स निकाल रही थी। दो विकेट्स तो ऐसे ही निकाले, खास करके मुशफिकुर रहीम का अगर आपने विकेट देखा रहेगा जब वो ग्लव से फेंट करके गली पे आउट हो गए। तो वैसे ही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मैच में भी। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ने वो देखा होगा कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ वो शॉर्ट बॉल का प्लॉय इस्तेमाल किया था। तो इसीलिए हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी आप उसमें से पेसर्स ज्यादा लें। लेकिन वहां पर एक और ट्विस्ट है, क्या अगर बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करेगी तो क्या आपको उस टीम में से पेसर्स ज्यादा लेने चाहिए? शायद नहीं। पेसर्स आप ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ले, स्पिनर्स आप बांग्लादेश से ज्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से स्पिन अगर आप बात करें तो सिर्फ एक ही है, वो है एडम सैंटा। एस्टनेगर आपको उतने फैंटेसी पॉइंट्स दिलाते नहीं है। तो ये हो गए हमारे पिच। चलिए अब देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते। विकेट कीपर की अगर हम बात करें कि क्योंकि बांग्लादेश की कीपिंग ऑप्शन ज्यादा चल नहीं रहे हैं, यहाँ पर मैथ्यू वेड का ऑप्शन है, लेकिन अगर मेरी बात माने तो आप मैथ्यू ना करें, आप उनकी जगह पर मुशफिकुर रहीम, अब किसी किसी साइड में मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर है तो आप मुशफिकुर रहीम को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर लिटन दास भी एक अच्छे ऑप्शन है। देखिए इनके ब्लॉक्स देखिए 27, 56, 15, 22 और 36। मैथ्यू वेड ने अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेड है, तो मैथ्यू वेड को अगर आप ना ले और उनके जगह पे या तो लिटन दास या फिर मुशफिकुर रहीम को ले तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब चलते हैं हमारे बल्लेबाजों की तरफ। बल्लेबाजों में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आएगा कप्तान एरन फिंच का। दोनों मैच में, एक में ऑस्ट्रेलिया हारी एक में ऑस्ट्रेलिया जीती, दोनों में फॉर्म प्राप्त किया है इन्होंने, एक में 56 एक में 58, और यहां पर भी वे स्पिनर्स को टारगेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करें या फिर दूसरी। 9.5 की क्रेडिट है, 7.7 की फैंटेसी गली रेटिंग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्म में है। बांग्लादेश की तरफ से आपके लिए मोहम्मद नईम शेख ये बेटर ऑप्शन रहेंगे। 8.5 की क्रेडिट है, 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है, और ये भी ओपनिंग आते हैं तो चाहे ये चेस करें या बैटिंग फर्स्ट करें, आप जिधर से भी बैट्समैन ले आप, हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप टॉप 4-5 में से या 4 में से आप ज्यादा ले, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर जो मध्यक्रम होता है अभी तक हमने देखा है किसी भी टीम का इतना चला नहीं है, तो प्रेफरेबली आप टॉप हाफ में से प्लेयर्स ले, वहां पर नईम शेख आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे।
ओके अब बढ़ते हैं हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। ऑलराउंडर में सबसे पहला नाम तो भाई ग्लेन मैक्सवेल का ही आ जाएगा, भले ही लास्ट दो मैच इनके थोड़े खामोश रहे हैं लेकिन ये खामोश रहने वाले प्लेयर में से नहीं है, तो ग्लेन मैक्सवेल आपके टीम में 100% होने ही चाहिए। देखिए वो जो साउथ अफ्रीका वाली मैच है जिसमें उन्होंने 76 अंक बटोरे थे, हो सकता है उसी के आसपास कुछ रन यहाँ पर बटोरे और ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश करेगी कि अच्छे रन रेट के साथ जीते, तो ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर आपके लिए बहुत किफायती और फायदेमंद हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम बांग्लादेश की तरफ से बात करें तो माहेरी हसन, इन्होंने बहुत पानी पिलाया था ऑस्ट्रेलिया को जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश गई थी दौरे पे गई थी, ओपनिंग गेंदबाजी करते थे और फिर टॉप हाफ में भी बल्लेबाजी करने आते थे और यहाँ पर भी देखिए पिछले दो मैच में फॉर्म में चल रहे हैं 68 और 64। तो आप बिना किसी शक के आप मेहदी हसन को अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं, माहेदी हसन, सॉरी नॉट मेहदी हसन। तो ये हो गए हमारे ऑलराउंड ऑप्शंस। अब आते हैं हमारे गेंदबाजी के ऑप्शन में। गेंदबाजी में नासूम अहमद अच्छे खिलाड़ी बनकर आ रहे हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया को तंग कर सकते हैं, एक मैच में तंग किया था जब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश गई थी उस श्रृंखला में। यहाँ पर भी देखे तीन मैच में डिसेंट फैंटेसी पॉइंट दिए हैं और एन एवरेज आपको 58 पॉइंट दे रहे हैं, तो नासूम अहमद आपके लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क पर आप भरोसा कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है मिचेल स्टार्क जो है ये श्रृंखला में मैंने देखा कि धीरे धीरे अपने बेस्ट पे आ रहे हैं, वो फिगर्स हमें दर्शा नहीं रहे हैं लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी दिख रही है ना, वो यॉर्कर्स वापस आ रहे हैं, वो स्विंग वापस आ रहा है, तो उस तरह की क्योंकि दोपहर का मैच है तो शायद थोड़ी ज्यादा स्विंग मिले मिचेल स्टार्क को, तो मिचेल स्टार्क आपके लिए डिफरेंशिएटर बन सकते हैं ग्रैंड में। तो दोस्तों ये थी हमारे प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो कैप्टन में अगर मैं सेफ नाम में अगर कोई नाम रखना चाहूं तो मेरे हिसाब से आप मुश्फिक रहीम या महमूदुल्लाह के लिए आप कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हैं, सेफ पिक है, आपके लिए रन भी देंगे। वहीं पर अगर मुस्तफिजुर रहमान खेले तो वो आपके लिए एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन बन सकते हैं। वहीं पर रिस्की कैप्टनसी ऑप्शन पिक में एक ग्लेन मैक्सवेल है जो बहुत ही रिस्की है, लेकिन वही है अगर इनका दाव पे चल गया तो फिर आपके लिए बहुत फायदा भी हो सकता है। मान लीजिए इन्होंने पार्क में आकर एक दो विकेट चटका दिए और फिर आकर रन्स भी बना दिए तो भाई आपके तो चांदी ही चांदी, तो उस तरह की कॉम्बिनेशन अगर आप रहें तो रख सकते हैं। और हाँ मिचेल स्टार्क अगर ऑस्ट्रेलिया पहली गेंदबाजी कर रही है तो मिचेल स्टार्क आपके लिए बहुत फायदेमंद प्लेयर बन सकते हैं, अगेन रिस्की पिक फॉर कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस और कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशन पिक्स। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ लो टू मीडियम, जितने ज्यादा हो सके उतने कॉन्टेस्ट खेलिए, लो टू मीडियम यानी दो हेड टू हेड, दो वाले तीन वाले चार वाले या पांच दस वाले, इतने से ज्यादा नहीं क्योंकि उसमें फिर आपके हारने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिर अगर आप फैंटेसी गली पे आएंगे किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाएंगे तो फिर आपको वहां पर एक कॉन्टेस्ट सेक्शन दिखेगा, कॉन्टेस्ट सेक्शन में फैंटासी तो मौजूद होंगे, आपको सिर्फ अपने माउस के साथ फैंटा को यहाँ से वहां वहां से यहाँ ड्रैग करना है, ड्रैग करते रहने से रंग बदलेगा फैंटा का और फिर आपके लेफ्ट साइड में बदलते रंग के साथ कॉन्टेस्ट बदलते रहेंगे और फिर आपके राइट साइड में आपको जीतने आपकी अप्रोक्सीमेट कमाई दर्शाई जाएगी। वहीं पर अगर आप माउस ओवर करेंगे फैंटा पर तो आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं, है ना अच्छी बात। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज फैंटेसी गली के साथ जुड़िए, हमारे सोशल हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिए, हमें लाइक भी कीजिए और फैंटेसी गली का ऐप भी डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। नीचे जो लिंक है वहां पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लीज अपनी सहायता कर लीजिए, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ चुका है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एक फायदा इससे यह है कि जैसे ही टॉस आ जाता है और हमारी टीम जो है स्कोरिंग टीम टॉस अपडेट कर देती है, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। इससे फायदा क्या होगा, आपको टॉस के बाद चूज करने के लिए 22 प्लेयर्स मिलेंगे और 22 के 22 खेल रहे होंगे मैच में क्योंकि फाइनल टीम्स है, और तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स तो कंफर्म है जो आप 11 की टीम बनाएंगे, लेकिन अगर आप टॉस के पहले आते हैं तो फिर आपको 44-45 प्लेयर्स में से चूज करने होंगे और गारंटी नहीं है कि जो प्लेयर्स आप चूज करेंगे वो खेल भी रहे होंगे या नहीं। तो टॉस के बाद आइए, आपको 10-10 टीम कॉम्बिनेशन मिल जाएंगी, लो लोअर स्ट्रेटजी वाले, फिर
मीडियम स्केल वाले टीम्स बनाने देंगे, अगर बैटिंग फ्रेंडली है, बोलिंग फ्रेंडली है, एफजी बेस्ट 11, फैंटेसी गली बेस्ट 11 वगैरह वगैरह, ऐसी सारी टीम्स आपको करने में मदद मिल सकती है। यही सब फायदा होता है फैंटेसी गली के साथ जुड़ने का। और आप जो हमारा शो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज हमारे शो ऐसे ही प्यार से देखते रहिए, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन आपके प्यार के साथ आप जो हमें लाइक्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे शोज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही नया वीडियो बनेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आ चुका है, अन्यथा आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल में या किधर पे भी कि कहाँ है फैंटेसी गली का शो इत्यादि इत्यादि। ये फायदा होता है अगर आप फैंटेसी गली के साथ जुड़ेंगे तो। तो दोस्तों ये था ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट जब आप इस पर्टिकुलर मैच के लिए अपनी टीम बनाए। नमस्कार।